कोरोना काल में भी मानवता मर रही है और दानवता उभरती नजर आ रही है। ऐसा ही मामला पट्टी तहसील इलाके के सरमा सोमगरा गांव में सामने आया है, जहां बीते 11 मई दिन मंगलवार को एक गाय की पीट पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई। गोहत्या की जानकारी पर संघ प्रचारक राज्यवर्धन सौरभ की अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद एवं संघ कार्यकर्ता सोमगरा गांव पहुंचे। मामले में पुलिस कार्यवाही के लिए पुलिस और प्रशासन को पत्र सौंपा है। राज्यवर्धन जी, आप तहसील परिसर के सामने किस कार्य का है? अभी कल हम लोग को जानकारी मिली थी कि पट्टी के सरमा समोगरा गांव में कुछ लोगों के द्वारा एक गाय को पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई, जिससे व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ पट्टी पीड़ित के जिला स्तर मंत्री विमल जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दर्जनों कार्यकर्ता वहां पे गए थे। वहां पे जाने के बाद जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। आज हम लोग पट्टी SDM से और पट्टी कोतवाल से व्यक्तिगत रूप से भेंट करेंगे तथा उनसे आग्रह करेंगे जल्द से जल्द न्याय मिले और जो हिंदू जनमानस के एक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है ऐसे आरोपियों को भी सजा मिले। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी। जो शासन ने गौशालाएं खुलवाई हैं उसमें गायों को चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, इस मामले में भी आपने कोई एक्शन लिया या कदम उठाया? इसके लिए हम प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से पुनः बात करेंगे। बात हुई थी पट्टी के तहसीलदार महोदय से बात हुई तो उसकी चिंता भी करके उन्होंने व्यवस्था कराई थी, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार से कोरोना काल घटा, लोग थोड़ा काम में सक्रिय कम हो पाए हैं, लेकिन आज हम इस विषय पर फिर से बात करेंगे आखिर इस पर क्या हो रहा है।